सब गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सीके ठाकुर। चलिए बात कर लेते हैं बिग बॉस के घर की। बिग बॉस के घर में कौन बना नया कैप्टन, कैसे राहुल वैद्य की पूरी प्लानिंग कामयाब होती है या फिर नहीं होती, अर्शी खान ने अपने ही दोस्तों के साथ दगा किया या नहीं किया, और बात करेंगे अली गोनी की, वो क्यों भड़का हुआ है अपने ही चाहने वालों के ऊपर। साथ ही बात करेंगे राकेश सावंत और राहुल महाजन के रिश्ते के ऊपर, और बात करेंगे घर में आई एक नई मेहमान जूली ने किसको लिया अपने शिकंजे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे घर के कैप्टेंसी टास्क की। जिस तरीके से घर में कैप्टेंसी टास्क खेला जा रहा था, राहुल वैद्य के चांसेस बहुत ज्यादा बन चुके थे कि वो घर का नया कैप्टन बन ही जाएगा, और उसमें जो वो जिद दिखाई दे रही थी, मुझे कैप्टन बनना है, इम्यूनिटी चाहिए, और ये सारी चीजें अली भी उसके साथ मिक्स कर रहा था, वो सारी धरी की धरी रहेगी। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि राहुल वैद्य के कुछ दोस्त हैं जो कि उसके साथ दगा कर सकते हैं, और राहुल वैद्य कभी भी कैप्टनसी हासिल नहीं कर सकते। और वहां ये कदम कल निकी ने ही उठा दिया था कि उसने अर्शी का बैग फेंक के ये साबित कर दिया था कि विकास कैप्टनसी की रेस में अभी बने हुए हैं, अगर वो विकास का निकाल देती तो शायद राहुल बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां सबसे ज्यादा पलड़ा भारी हो गया अर्शी खान के ऊपर जब बात आ गई कि उसको राहुल और विकास में से कौन चुनना है। आप सोचेंगे सीधी सी बात है, राहुल के साथ उसके अच्छे टर्म एंड कंडीशंस हैं, विकास को पहले से ही वो पसंद नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने ही एक वीडियो में बताया था कि अर्शी खान और विकास गुप्ता का रिलेशन बाहर से ही स्ट्रॉन्ग है और वो बाहर से अच्छे दोस्त हैं। वो शो के अंदर एक बनावटीपन लाने के लिए झगड़ रहे थे और स्क्रिप्टेड लड़ाई कर रहे थे, और उसके बाद जब विकास वापस आए हैं तो अपनी इमेज जो कि उसने दो हफ्तों में बहुत ज्यादा बेचारे वाली कर दी है, टीआरपी को हाई कर दिया है, और अर्शी खान एक विलन के रूप में साबित आई है, लेकिन उसको फिर भी फुटेज इतना ज्यादा मिला है तो उसको थोड़ा सा सही करने के लिए अर्शी ने एक पलड़ा फेंका जिसमें उसने राहुल वैद्य को धोखा दे दिया और विकास गुप्ता को बना दिया घर का नया कैप्टन। जी हाँ दोस्तों, विकास गुप्ता बहुत ही अच्छे तौर पे साबित हो चुके हैं मास्टरमाइंड, और वो घर में एक नए कैप्टन के तौर पे इस बार बन चुके हैं घर का नया कैप्टन, और राहुल वैद्य वहां पे अपनी ही गेम में फंसते हुए नजर आए, और ऐसा हुआ कि सियानी बिली खंबा नोचे जैसी बात हो गई। अली गोनी और राहुल दोनों ही खंबा नोच रहे थे और अपने ही दोस्तों के ऊपर भड़के हुए थे। हालांकि अली गोनी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में वही थे क्योंकि सबसे ज्यादा जद्दोजहद उन्होंने ही की थी राहुल को कैप्टन बनाने के लिए। और वहीं हमने देखा कि अली गोनी अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि पुराने दोस्त यानी कि रुवीना और अभिनव के साथ भी टर्म एंड कंडीशन अच्छे से बनाया जाए, और ये सलाह वो राहुल वैद्य को भी देते हुए नजर आए। अब बात कर लेते हैं अर्शी खान की। अर्शी खान ने जिस तरीके से राहुल को धोखा दिया, वो एक्चुअली में धोखा नहीं था। अर्शी खान अगर इतना भी नहीं करती तो बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल गेम हो जाती, और ऐसा लगता कि बिग बॉस के शो में कुछ नयापन है ही नहीं। वो वाकई ही ऑडियंस के लिए भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था, और जिस तरीके से अर्शी ने खेला वो चीज बहुत ही ज्यादा शो को बूस्ट देने वाली थी। और विकास गुप्ता को जो उसने बचाया है, तो मुझे लग रहा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि विकास को क्यों बचाया है, लेकिन ये शो के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सही चीज गई, और विकास गुप्ता घर में नए कैप्टन के तौर पे अच्छे ही साबित होंगे, ये भी आप लिखवा के ले लीजिए, क्योंकि विकास की कैप्टनसी हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। अब बात कर लेते हैं विकास के काम बांटने के ऊपर जो झगड़ा हुआ राहुल महाजन और राकेश सावंत का, वो क्या था। एक्चुअली राहुल महाजन जो है राखी के साथ थोड़े बचते ही कटते हुए ही नजर आते हैं, बिकॉज राखी सावंत कभी भी कुछ भी बोल देती है और राहुल महाजन के पीछे ऐसे पड़ी हुई है कि जैसे वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। तो इसी बीच राहुल महाजन ने ये मना कर दिया कि मुझे अभी राखी के साथ कोई ड्यूटी मत दीजिए और मैं किसी और के साथ ड्यूटी दे दीजिए, तो उस बात को लेकर राखी को आ गया थोड़ा सा गुस्सा। हालांकि वो सफाई भी दे रहा था कि मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे वो ड्यूटी नहीं करनी थी, ना कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं करनी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो राखी और उसके बीच में कहा सुनी होगी, और जिसमें राहुल महाजन ने राखी सावंत को थोड़ा सा बड़ा भूला कह दिया कि थोड़ा सा बोलते हैं ना कि चीप स्टार और चीप ऑडियंस समथिंग, चीप फैन समथिंग, ऐसा कुछ कह दिया जो कि गलत है,
क्योंकि राखी सावंत का अगर मैं भी देखूं, ग्राफ देखूं, तो उसका कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में मजा आता है। इट्स मीन ये नहीं है कि हम चीफ ऑडियंस हैं, बट ठीक है, राहुल महाजन का जो कहना था उसने अपने हीट ऑफ द मोमेंट में वो चीजें कही, और राखी को भी ये चीज समझनी चाहिए। लेकिन घर वालों ने जिस तरीके से उस मुद्दे को भी बीच में कूद कर अपना अपना पक्ष रखने की कोशिश की, वो ऐसा लग रहा था कि वो सही होने का ड्रामा कर रहे हैं। चाहे वो एजाज खान हो, चाहे वो जैस्मीन हो, चाहे राहुल वैद्य हो, तो वो सब लोग बीच में टूटे हुए थे, पड़े हुए थे। पहले मैंने कभी भी ऐसा गठबंधन किसी भी लड़ाई में नहीं देखा जैसा कि राहुल महाजन और अर्शी खान और राखी सावंत की लड़ाई में दिखने को आ रहा था। हालांकि अर्शी खान भी बीच में पार्ट बनी हुई थी, तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि अर्शी खान क्यों बीच में कूदी हुई है। और चलो, सब लोग कूद रहे थे तो उसका भी हक बनता है। और अब बात कर लेते हैं घर में जो नया मेहमान आया है। जी हाँ दोस्तों, घर में जूली नाम का एक नया मेहमान आ चुका है, और उसने राखी सावंत को अपने शिकंजे में घेर लिया है। अब आप लोग कहेंगे हमने तो ट्रेलर में देखा नहीं कि राखी सावंत के साथ कुछ ऐसा हो रहा है और घर में कोई नया मेहमान आया है। तो जो ये नया मेहमान है, ये थोड़ा इनविजिबल है, और ये घर में भूत है जो कि 200 साल से घर में रह रहा है, और वो एजाज को बहुत तंग करने वाला है। बिकॉज एजाज उसको बहुत ज्यादा उसमें ले रहे हैं। एजाज जहाँ सोते हैं उसके पास ही उसकी कब्र है, ये एक्चुअली उस भूत का कहना है। और बहुत ही ज्यादा फनी हो गया था ये चीज ऑडियंस के लिए, क्योंकि राकेश सावंत के ऊपर भूत आ गया है जूली नाम का, और वो सबको डरा रहा है। और मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ, घर में जितने भी लोग हैं उसमें से आधे लोग डरे हुए हैं, जिसमें से एजाज खान है, जैस्मीन भी डरी हुई लग रही है, और कहीं ना कहीं मुझे निकी तंबोली भी डरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि घर में जिस तरीके से एजाज को डर लग रहा है, एजाज की कुछ बातें जूली ने बताई हैं, और एजाज को लग रहा है कि ऐसा मुझे तो कभी ऐसा वो नहीं हुआ कि कॉर्नर वाली बात मैंने कभी किसी को बताई नहीं कि उसको वहां पे कुछ फील होता है। तो वो चीज जो है राकेश सावंत ने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट की है, अब ये नहीं मैं बोल सकता कि वो ड्रामा कर रही है जो सच में उसे भूत ने पकड़ा है, लेकिन कुछ तो है, क्योंकि राकेश सावंत जिस तरीके से एक्ट कर रही है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है स्क्रीन पे। मैं आपको बता दूं कि जितना भी कुछ घर में हुआ कल के एपिसोड में कैप्टनसी टास्क के बाद, और जैसे ही राखी ने अपना भूत वाला एंगल पकड़ा है, सब भूल गया, सब भूल गया, और पूरा फोकस राखी के ऊपर था, और पूरा का पूरा शो कल का जो था वो राखी के नाम हो गया, क्योंकि उसने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी, इतनी ही बढ़िया तरीके से लोगों को अपने उसमें लिया उसने। एक तो उस बंदी की खास बात है, वो जब भी कुछ बोलती है उसमें हंसी ही आती है, फन ही क्रिएट करती है, और जिस तरीके से वो अपनी आंखों से आंसू निकाल रही थी, रिएक्ट कर रही थी, बाथरूम में नहाने जाती है और टॉवल पहन के बाहर आके खड़ी हो जाती है, तो वो सारी चीजें इतनी ज्यादा मजेदार लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। सच में राखी की ये अगर परफॉर्मेंस है तो ये वाकई ही उसकी बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है, और उसने ऑडियंस को वाकई ही बहुत ज्यादा हंसाया। अब हमें कल पता चलेगा कि ये राखी जो है परफॉर्म कर रही थी, या फिर वाकई ही उसके अंदर जूली आ चुकी है, और जूली घर में क्या क्या कमाल दिखाती है, ये हमें कल के एपिसोड में पता चलेगा। बाय द वे, मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस, और क्रिसमस के त्योहार में अब घर वालों को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलेंगी, तोहफे मिलेंगे, और ये क्या तोहफे होते हैं ये पता चलेगा आज के एपिसोड में। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।